अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही खुश नसीब है, क्योंकि ये वीडियो आज होने वाली है एक टेबल फैन पे, जिसके बारे में काफ़ी सारे कमेंट मुझे आए और मुझे ये वीडियो बनाने में कर दिए मजबूर। तो ठीक है, ये सारे कंपोनेंट अपन यूज़ करते हैं इसमें। ये मैंने कटर मशीन बनाया था, इसका मैं ये मोटर निकाल लेता हूँ। ये कटर मशीन की वीडियो मेरे चैनल पे आप वहाँ जान जाए तो देख सकते हैं, फ्री में बना है, इसमें कोई भी कॉस्टिंग नहीं है, सिर्फ मोटर की कॉस्टिंग है। ठीक है, एडॉप्टर हमने बनाया और इस पर सेट कर दिया, बस उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। देख सक रहे हैं, ये मोटर हमने ले लिया, ये मोटर हमको 40 रुपये में मिला है लोकल मार्केट में। इसको आप भी जाके परचेस कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता मिल जाता है, इसमें कोई भी ज़्यादा कॉस्टिंग वगैरह नहीं है। ये अपना बन गया मोटर फ़ैन के साथ। ठीक है, काफ़ी अच्छा ये फ़ैन है। फ़ैन मेरे को 10 रुपये का मिला है, 10 रुपये का फ़ैन मिला है, 40 रुपये का मोटर, 50 रुपये का बैटरी। करीब आपको एक अगर आप 20-30 रुपये का आपके लोकल मार्केट में अगर ख़राब लैपटॉप की बैटरी लेते हैं तो 20-30-40 रुपये तक में आपको मिल जाएगा, उसमें से 6 बैटरी आपको निकल जाएगी। ये बैटरी आपको करिए, अब आपको 110 रुपये में छोटा सा टेबल फ़ैन बन सकता है बैटरी से चलने वाला, जिसके मदद से आप अपने घर पे बिना लाइट के भी पंखे का मज़ा ले सकते हैं और अपने घर वाले को भी मज़ा दे सकते हैं इस पंखे से। माताएं बहन जो काम करती हैं, आपके घर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, किचन पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं अगर लाइट नहीं है तब। बहुत ही अच्छा तरीके से काम करता है, इसे आप 12 वोल्ट देकर भी अच्छे से चला सकते हैं। आप ध्यान रखें कि आपका मोटर बहुत ही सही होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका हवा बहुत ही सुंदर देगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये मेरे पास लिथियम बैटरी कई सारे हैं, तो आप इसमें से करीब 2 लिथियम बैटरी 4 लिथियम बैटरी ले सकते हैं, करीब 2 लिथियम बैटरी भी ले सकते हैं। तो आपको इसको पैरलर में इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा, जिसके मदद से ये स्टैंड भी बन जाएगा और इसका काम भी हो जाएगा, दोनों चीज़ मतलब हम कंफर्टेबल बना रहे हैं एकदम छोटा सा, मतलब कि आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं इजी से, कोई भी आपको इधर उधर जाने में दिक्कत ना हो। तो हमने 6 बैटरी ले ली, 6 बैटरी को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। पैरेलल में कनेक्ट करने से फ़ायदा हमको ये होगा कि इसमें लॉन्ग लाइफ बैटरी मिलेगी, इसमें आप एक बार चार्ज करेंगे करीब 4 से 5 घंटा 6 घंटा भी चल सकता है, बहुत ही ज़्यादा चल जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है अपने मोटर के ऊपर। अगर आपका मोटर एकदम मतलब कि कम वोल्ट का है और बहुत ही अच्छा चलने वाला है, इसकी वाइंडिंग पे डिपेंड करता है, आप वो सारी चीज़ें मेरे चैनल पे वीडियो है वो आप देख सकते हैं जाके। बाकी इस पे हम बताएंगे कि आपको आप कैसे बना सकते हैं एक सिंपल सा टेबल फैन। ठीक है, अपन को ऐसे ले लेना है एंगल पे, आप देख रहे होंगे एंगल आपको दिख रहा होगा। पहले मैं अभी ये फ़ैन को निकाल देता हूँ, लास्ट फ़ैन लगाएंगे। ये एंगल है, ये आप इस टाइप से पहले जोड़ लीजिएगा। ठीक है, आप किसी तरह का ग्लू यूज़ कर सकते हैं, टेप यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें टेप यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि ग्लू काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। लॉन्ग लाइफ के लिए आप ग्लू यूज़ करें, ग्लू काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहता है, मैं इसमें इंस्टेंट करने के लिए टेप यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने ये लिया, बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप इसे घर पर आराम से बना सकते हैं। इसे मैंने पहले इससे पहले करीब घर बना के यूज़ किया और अपने घर वाले को भी दिया। मैंने कूलर भी बनाया है सेम यही मोटर की मदद से, वो भी कूलर भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। कूलर की वीडियो मेरी चैनल पे है तो वहाँ क्या आप देख सकते हैं। ये हो गया, करीब 2 से 3 टेप आपको मार लेनी है एकदम टाइट से ताकि ये निकले ना। आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है। किसी भी आप सामान को बनाने के लिए कभी कंजूसी मत कीजिए, अच्छा अच्छा सामान यूज़ करिए, क्योंकि अगर हम बना रहे हैं तो बहुत ही सस्ता बनाते हैं और वो सस्ता बन भी जाता है, लेकिन क्या रहता है क्वालिटी उसमें नहीं मिल पाती। अगर आप उसे क्वालिटी देंगे तो काफ़ी अच्छा सुंदर बन जाएगा और काफ़ी लॉन्ग लाइफ तक चलेगा, तो आप उसे क्वालिटी दीजिए, भले थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी आप बढ़िया दीजिए। मोटर को इसमें आप टेढ़ा मत करिएगा वरना पंखी आपके जो स्टैंड पे है टकराएगी आपके बैटरी स्टैंड पे। मेरा पंखी हल्का टेढ़ा हो गया बट नहीं टकरा रहा है ये। ठीक है, ये अपना रेडी हो गया, अब यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं। ये हमारा टेबल फैन बनके रेडी हो गया है।
और आपको एक चीज़ बता दूँ, मोटर पे आपको दो साइड से कनेक्शन मिलेंगे, आप अगर उल्टा कनेक्शन कर देंगे तो हवा पीछे देगा, इसलिए आप पहले कनेक्शन को देख ले फिर कनेक्शन करें, ठीक है? पहले आप लगा के एक बार देख ले सीधा हवा दे रहा कि नहीं, फिर आप लगाए कनेक्शन, तब फिर नहीं तो आपको उल्टा हवा मिलेगा। देख पा रहे हैं आप, ये मैंने रखा और यहाँ से पीछे स्विच है, स्विच मैंने ऑन किया, आप देख सक रहे हैं कचरा पहले चला गया, ये आप देख पा रहे हैं ना कैसे उड़ रहे हैं। अभी मैं माइक में भी आपको सुना के दिखा दूँगा, आप एकदम मतलब आप इससे इससे देखिएगा, देख पा रहे हैं यहाँ से सब साफ हो गया, मतलब काफी अच्छा हवा दे रहा है। मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ, चलने दो, मैं इसको चलने देता हूँ, मैं इसको माइकिंग करके सुना।